Hello everyone, in this video you will get to know what is the flow of execution in a Python program. एक Python program कैसे execute होता है, उसमें statements किस order में execute होती है, okay? The flow of execution refers to the order in which statements are executed during a program run. तो flow of execution क्या है, ये आपको बताता है कि किस order में एक particular program में statements क्या होंगी, execute होंगी, right? Sequential होंगी, ये sequential नहीं होंगी, तो ये आपको क्या बताता है, ये आपको flow of execution बताता है, okay? अब flow of execution को हम example की help से समझेंगे, okay? तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक python program बनाया है. First आपकी line है program to add two numbers, right? First आपकी line है comment, ओके okay, तो जो इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा, फर्स्ट लाइन को इग्नोर कर देगा क्योंकि वो क्या है, कमेंट है, ओके. देन इट विल गो टू द सेकंड लाइन. देखो मैंने यहाँ पे फ्लो, जैसे जैसे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी उसकी यहाँ पे नीचे टेबल बनी हुई है, ओके okay? तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो आपकी है सेकेंड स्टेटमेंट, राइट. आपकी नंबर टू की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, आपका इंटरप्रेटर सेकंड लाइन पे जाएगा और चेक करेगा. यहाँ पे वो क्या देखेगा, दिस इज फंक्शन हेडर. ये क्या है, फंक्शन हेडर है. इसको चेक करने के बाद क्या होगा, फंक्शन बॉडी को वो इग्नोर कर देगा, राइट. फंक्शन हेडर पे जाएगा, हेडर वाली लाइन चेक होगी और उसके बाद क्या होगा, फंक्शन की बॉडी इग्नोर हो जाएगी, राइट. ओके, थ्री फोर स्किप हो जाएगा एंड फाइव, फाइव क्या है हमारी एम्प्टी लाइन, ये भी क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी क्योंकि इसमें कोई भी कमांड नहीं है, राइट. नेक्स्ट आपका क्या है, जो एग्जीक्यूट होगी कमांड या स्टेटमेंट वो क्या है, आपकी सिक्स, राइट. आपकी सिक्स नंबर की लाइन यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी. सिक्स नंबर में यहाँ पर है इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, आपके पास प्रॉम्प्ट आ जाएगा एंटर फर्स्ट नंबर. देन आपकी सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होगी नंबर सेवन, मतलब सेवन वाली जो लाइन नंबर सेवन है वो एग्जीक्यूट होगी, आपके पास प्रॉम्प्ट आ जाएगा एंटर सेकंड नंबर, ओके. आपके पास प्रॉम्प्ट आ गया एंटर सेकंड नंबर, आपने फर्स्ट नंबर दे दिया, सेकंड नंबर दे दिया, राइट. नाउ अब कंट्रोल कहाँ जाएगा, लाइन नंबर एट पे जाएगा, ओके. लाइन नंबर एट पे क्या है, यहाँ पे है फंक्शन कॉल, राइट. यहाँ पे फंक्शन कॉल किया हुआ है, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है, ओके. जैसे ही फंक्शन कॉल स्टेटमेंट आएगी, कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, कंट्रोल चला जाएगा फंक्शन हेडर पर, ओके. ये आपकी फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है, जैसे ही फंक्शन कॉल स्टेटमेंट आएगी वैसे ही कंट्रोल चला जाएगा फंक्शन हेडर पर, राइट. तो फंक्शन कॉल स्टेट, जो फंक्शन कॉल करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलर. और जिसको कॉल किया जाता है उस फंक्शन को कहा जाता है कॉल्ड. तो ये वाला डेफ अंडरस्कोर नंबर्स क्या है, हमारा कॉल्ड फंक्शन है. और यहाँ पे ये क्या है, कॉलर फंक्शन, जो उसको कॉल कर रहा है, ओके. अब हमने फंक्शन कॉल दिया है, यहाँ पे फंक्शन कॉल के थ्रू आपने टू आर्ग्यूमेंट्स को पास भी किया है, नम वन एंड नम टू. नम वन चली जाएगी ए में एंड नम टू चली जाएगी आपकी बी में, राइट. तो आपका देखो ए लाइन एट एग्जीक्यूट हुई और एट लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल कहाँ चला गया, लाइन नंबर टू पे चला गया, लाइन नंबर टू पे चला गया. और जब फंक्शन कॉल होता है तो क्या होता है, फंक्शन इन्वोक होता है, फंक्शन एग्जीक्यूट करता है, राइट, ओके. तो सेकेंड लाइन के बाद क्या होगा, इसकी बॉडी में एंटर करेगा, फंक्शन की बॉडी में लाइन नंबर थ्री पर. तो क्या होगा, ए प्लस बी का सम होगा, आपने ए टू दिया था एंड ये आपने बी फाइव दिया था, राइट. तो जो आपका सम है सेवन, ओके, वो वेरिएबल सम में चला जाएगा, ओके. देन आपकी कौन सी लाइन एग्जीक्यूट करेगी, आपकी एग्जीक्यूट करेगी लाइन नंबर फोर, राइट. इसमें आपने यहाँ पे फंक्शन ने क्या किया, रिटर्न कर दिया सम, ओके. सम रिटर्न होके कहाँ जाएगा, सम रिटर्न होके जाएगा रिजल्ट वेरिएबल के अंदर, ओके. सम जो वैल्यू है, राइट, वो रिटर्न होके कहाँ जाएगी, रिजल्ट वेरिएबल के अंदर जाएगी. क्योंकि क्या होता है, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट क्या होती है, हट जाती है, उसके प्लेस पे रिटर्न स्टेटमेंट आ जाती है. तो यहाँ पे आपका सम आ जाएगा, ठीक है. फंक्शन कॉल का काम हो चुका है, ये हट गई है, इसके प्लेस पर अब क्या आ जाएगा, सम, एस यू एम सम, मतलब जो फंक्शन ने रिटर्न किया वैल्यू और वो हमने किसमें इनिशियलाइज कर दिया, रिजल्ट वेरिएबल के अंदर, ओके. तो आपका एग्जीक्यूशन क्या हुआ, टू थ्री फोर, टू थ्री फोर, और फोर फोर के बाद आपका कंट्रोल कहाँ चला गया, एट पर, ओके, एट, राइट, ओके. अब नेक्स्ट जो आपकी स्टेटमेंट है वो कौन सी है, नाइन. इसके बाद आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, जो एग्जीक्यूट होगी वो है नाइन, सम ऑफ टू नंबर्स इज रिजल्ट. तो आपके पास रिजल्ट आ गया, सम ऑफ टू नंबर्स इज सेवन, नाइन.
अंडरस्टूड? ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग करते हैं. ओके, हियर वी हैव नेक्स्ट एग्जाम्पल, राइट. अब देखो, ये आपका जो इंटरप्रेटर है वो सबसे पहले फर्स्ट लाइन के पास जाएगा, राइट, उसको चेक करेगा. तो हमारी फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, इंटरप्रेटर को पता चलेगा ये क्या है, ये है फंक्शन हेडर, राइट. तो क्या होगा, वो बॉडी को स्किप कर देगा, क्योंकि फंक्शन की बॉडी तब तक एग्जीक्यूट नहीं होती है जब तक कि कोई उसे कॉल ना करे, फंक्शन को कॉल ना करे, राइट. अब क्या होगा, 2, 3 एंड 4 ये लाइन्स क्या हो जाएंगी, स्किप हो जाएंगी. ओके, क्योंकि 4 क्या है, एम्प्टी लाइन है. फिर फंक्शन का, फिर जो कंट्रोल है वो कहाँ जाएगा, इंटरप्रेटर कहाँ जाएगा, लाइन 5 पे जाएगा, राइट. इसको चेक करेगा, लाइन 5 को चेक करेगा, ये भी क्या है, फंक्शन हेडर है, राइट. इसको चेक करने के बाद वो क्या स्किप कर देगा, फंक्शन की बॉडी स्किप कर देगा, 6, 7 एंड 8 ये लाइन स्किप हो जाएंगी, राइट. नाउ द कंट्रोल विल गो टू लाइन नंबर 9. अब कहाँ जाएगा, कंट्रोल 9 पे जाएगा. ओके, यहाँ पे क्या है, ये एग्जीक्यूट होगी, वेरिएबल n को मिलेगी वैल्यू 5, राइट. वेरिएबल n इज इनिशियलाइज्ड विद द वैल्यू 5. ओके, नेक्स्ट कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, 10 होगी. 10 में क्या है, फंक्शन कॉल है यहाँ पर. ओके, यहाँ पे कौन से फंक्शन को कॉल किया गया है, कैल्क स्क्वायर फंक्शन को कॉल किया गया है, राइट. कैल्क स्क्वायर फंक्शन को कॉल किया गया है और वैल्यू पास की गई है यहाँ पर n की जो है 5, राइट. जैसे ही कैल स्क्वायर फंक्शन को कॉल करोगे, कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, कैल स्क्वायर फंक्शन के पास चला जाएगा, राइट. और यहाँ पे वैल्यू भी पास हो जाएगी, एन की वैल्यू ए में चली जाएगी, डेट इज 5. ओके, अब इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी. देखो, 10 के बाद कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, 5. ओके, देन नेक्स्ट क्या एग्जीक्यूट होगी आपकी, 6. 6 स्टेटमेंट, राइट. अब देखो, 6 में क्या है, 6 में पावर फंक्शन को कॉल किया हुआ है, राइट. 6 में किसको कॉल किया हुआ है, यहाँ पर पावर फंक्शन को कॉल किया हुआ है. ओके, एंड वैल्यू भी पास की हुई है, पावर फंक्शन को कॉल भी किया हुआ है और वैल्यू भी पास की हुई है. ओके, तो अब क्या होगा, अब कंट्रोल लाइन 6 से कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, कंट्रोल चला जाएगा लाइन 1 में, ठीक है. लाइन 1 में कंट्रोल चला जाएगा, क्योंकि लाइन 6 में फंक्शन कॉल किया हुआ है. अब ए की वैल्यू चली जाएगी बी में, ठीक है, और 2 कहाँ चला जाएगा, P के अंदर. तो A की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 है. ओके, एंड P में क्या आ जाएगा, आपकी वैल्यू 2 आ जाएगी. ओके, लाइन 1 एग्जीक्यूट होगी, फिर लाइन 2 एग्जीक्यूट होगी. लाइन 2 एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे क्या है, B इंटू इंटू पी, राइट. तो क्या होगा, यहाँ पे B की वैल्यू क्या है, 5 रेस टू पार 2. ओके, 5 रेस टू पार आपका क्या हो जाएगा, 2, राइट. तो आपका ये रिजल्ट आ गया 25. ओके, ये रिजल्ट 25 आ गया. ओके, वो कहाँ पे, अब आपकी लाइन 3 एग्जीक्यूट होगी, रिटर्न आर. ओके, 2 एग्जीक्यूट, देखो 2 एग्जीक्यूट होगी हमारी, फिर हमारी 3 एग्जीक्यूट हो गई यहाँ पे. ओके, 3 एग्जीक्यूट होके आर कहाँ जाएगा, आर चला जाएगा ए के अंदर. ओके, अब आर, क्योंकि ये जो आपकी कॉल स्टेटमेंट है अब ये हट जाएगी, इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, फाइन. और आर की वैल्यू हमने किस में इनिशियलाइज कर दिया, ए में. ओके, तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट 6 एग्जीक्यूट हो रही है, राइट. अब स्टेटमेंट 7 एग्जीक्यूट होगी, 7 में क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू, मतलब 7 क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है ए की वैल्यू. तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 25 है, क्योंकि ओके, क्योंकि आर की वैल्यू 25 थी, आर को हमने ए वेरिएबल में इनिशियलाइज किया है. ओके, अब देखो आपका ये स्टेटमेंट 7 एग्जीक्यूट हुआ. अब स्टेटमेंट 7 एग्जीक्यूट होगा, ये वैल्यू रिटर्न होके ए की कहाँ जाएगी, ये वैल्यू रिटर्न होके आपके पास जाएगी लाइन नंबर 10 पर, क्योंकि लाइन नंबर 10 से आपका कैल स्क्वायर फंक्शन को कॉल किया गया था, राइट. ओके, तो अब ये फंक्शन कॉल स्टेटमेंट हट जाएगी, इसके प्लेस पे आ जाएगा ए, राइट. और ए की वैल्यू आपने किसमें इनिशियलाइज किया, रिजल्ट में, राइट. तो आपका 10 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आपका लाइन कौन सी एग्जीक्यूट होगी, 11, तो आपका रिजल्ट वाला. और आपका रिजल्ट यहाँ पे आ भी गया है 25. अंडरस्टूड? ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट एग्जांपल. यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपका कंट्रोल कहाँ जाएगा, फर्स्ट लाइन पे. डेफ इंक्रीमेंट, ये फंक्शन हेडर है. ओके, दिस इज योर फंक्शन हेडर. तो आपकी कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, आपका आपकी फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी. ओके, अभी फंक्शन हेडर है तो ये क्या होगा, फंक्शन की बॉडी स्किप हो जाएगी 2. अब जो आपकी लाइन नंबर 2 है वो नहीं एग्जीक्यूट होगी. लाइन नंबर 3 आपकी क्या है, आपकी
एम्प्टी लाइन है वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, लाइन नंबर फोर भी इग्नोर हो जाएगी क्योंकि लाइन नंबर फोर क्या है, कमेंट है। तो अब आपकी जो लाइन एग्जीक्यूट होगी, जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो क्या होगी, लाइन नंबर फाइव। ओके, लाइन नंबर फाइव आपकी एग्जीक्यूट होगी, उसमें हमने क्या किया, एक वेरिएबल को वैल्यू दी है थ्री, राइट। देन आपकी लाइन नंबर सिक्स एग्जीक्यूट होगी, आपने प्रिंट करा दिया एक्स को, ओके, वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा दिया, तो यहाँ पे आपका देखो आंसर आ गया थ्री। ओके, देन सिक्स एग्जीक्यूट होगी, अब आपकी नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगी सेवन। सेवन में क्या है, फंक्शन, आपकी फंक्शन कॉल है, इंक्रीमेंट फंक्शन को आपने कॉल किया है, तो इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल किया है और आप वैल्यू भी पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने यहाँ जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ वैसे ही कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, वन पर, कंट्रोल वन पे चला गया। ओके, और वैल्यू भी पास हो गई, आपकी थ्री वैल्यू चली गई यहाँ पे एक्स में। ओके, ये थ्री आ गई, राइट। फंक्शन कॉल हुआ, ओके, तो फंक्शन इन्वोक होगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, एग्जीक्यूट टू, तो आपकी यहाँ पे टू जो लाइन है वो एग्जीक्यूट होगी। लाइन टू में आपने क्या किया है, आपने एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन दिया है, तो थ्री प्लस वन फोर हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आपकी फोर आ गई, राइट, आपकी फोर वैल्यू आ गई। बट देखो इस फंक्शन ने कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं की है, रिटर्न नहीं की है, तो क्या है, कंट्रोल पास नहीं होगा, राइट। फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद अब क्या होगा, अब डायरेक्टली आपका कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, लाइन नंबर एट पे चला जाएगा। अगर ये रिटर्न करता वैल्यू तो यहाँ पे लाइन नंबर सेवन पे जाता, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट पे जाती रिटर्न वैल्यू, बट यहाँ इस फंक्शन ने कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं की है, तो ये फंक्शन यहीं पे एंड हो गया। ओके, और जब ये एंड हो गया तो देखो सेवन लाइन हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है, फंक्शन यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ था, फंक्शन एग्जीक्यूट होके एंड हो गया है, तो सेवन के बाद आपकी जो नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी वो क्या है, लाइन नंबर एट, तो आपकी लाइन नंबर एट प्रिंट हो गई, तो आपका अगेन प्रिंट एक्स क्या आ गया, थ्री। अब देखो x की वैल्यू यहाँ पे थ्री ही आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि जो इंक्रीमेंट हुआ था वो रिटर्न होके नहीं आया है, ठीक है, जो फोर आपकी वैल्यू आई थी वो कहीं पर भी रिटर्न नहीं हो रही है, तो जो आपकी आपने लाइन नंबर फाइव में एक्स को वैल्यू दी थी थ्री, वही कॉन्टिन्यूएशन में आके यहाँ पे क्या होगी, थ्री। अंडरस्टूड, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कंट्रोल कहाँ जाएगा, फर्स्ट लाइन पे जाएगा, फर्स्ट लाइन में चेक करेगा क्या है, फंक्शन है, फंक्शन हेडर है। ओके, आपकी फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद आपकी लाइन नंबर टू थ्री क्या होगी, स्किप हो जाएगी फंक्शन की बॉडी, फिर लाइन नंबर फोर स्किप हो जाएगी क्योंकि वो क्या है, एम्प्टी लाइन है। ओके, देन आपका कंट्रोल कहाँ जाएगा, लाइन नंबर फाइव पे जाएगा और लाइन नंबर फाइव एग्जीक्यूट होगी, तो यहाँ पे चेक होगा कि ये क्या है, ये है फंक्शन हेडर, फंक्शन हेडर है तो क्या होगा, लाइन नंबर सिक्स और सेवन क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी, राइट। ओके, एंड लाइन नंबर एट इसलिए स्किप हो जाएगी क्योंकि वो एम्प्टी लाइन है, राइट। देन आपका कंट्रोल कहाँ जाएगा, आपका कंट्रोल जाएगा लाइन नंबर नाइन पर। नाइन में आपने क्या किया, एक वेरिएबल एन को वैल्यू दी है फाइव। ओके, वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है विद द वैल्यू फाइव, राइट। देन आपकी कंट्रोल कहाँ जाएगा, लाइन नंबर टेन पर जाएगा। ओके, लाइन नंबर टेन में आपने क्या किया है, फंक्शन कॉल किया है कैल स्क्वायर प्लस पावर फंक्शन को भी कॉल किया है, तो पहले आपने कैल स्क्वायर को कॉल किया है, तो आपका कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, कैल स्क्वायर के पास चला जाएगा और वैल्यू भी चली जाएगी एन की, एन की वैल्यू कहाँ जाएगी, एक्स में, दैट इज फाइव। ओके ओके, देखो अब आपका कंट्रोल फाइव पे चला गया है, अब नेक्स्ट आपकी जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो सिक्स होगी, राइट। सिक्स स्टेटमेंट, सिक्स नंबर की लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो यहाँ पे सिक्स नंबर की लाइन में आपने अगेन क्या कर दिया, पावर फंक्शन को कॉल कर दिया, तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, लाइन नंबर वन पे चला जाएगा, लाइन नंबर वन पे चला गया आपका कंट्रोल। ओके, और वैल्यूज भी चली जाएगी, एक्स की वैल्यू चली जाएगी बी में, तो एक्स की वैल्यू हमने फाइव दी है वो कहाँ चली जाएगी, बी में, और पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू, ठीक है, एक्स की वैल्यू बी में एंड टू कहाँ चला जाएगा, आपका पी में। ओके, अब क्या होगा, फंक्शन कॉल हुआ है तो अब ये एग्जीक्यूट होगा, तो आपकी कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर टू, आपकी लाइन नंबर टू एग्जीक्यूट होगी, तो बी इंटू इंटू पी मीन्स बी रेस टू पार टू, तो यहाँ पे फाइव रेस टू पार, ओके, आपकी फाइव रेस टू पार क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइव इंटू फाइव इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव, राइट, आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 25 आंसर आ जाएगा। ओके, 25 आंसर आ जाएगा, तो आपकी नेक्स्ट लाइन क्या एग्जीक्यूट करेगी, लाइन नंबर थ्री। ओके,
ये आपकी लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट करेगी, और ये जो वाई है वो फिर कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा ए के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉलिंग स्टेटमेंट है वो हट जाएगी, इसके प्लेस पे वाई की वैल्यू आ जाएगी, ओके, इसकी प्लेस पे आपकी वाई की वैल्यू आ जाएगी, ओके, राइट, और वाई की वैल्यू किस पे इनिशियलाइज हो जाएगी, ए में। अब ए की वैल्यू क्या है, 25 है, राइट, तो ये आपका 6 एग्जीक्यूट हो गया, 6 एग्जीक्यूट हो गया, तो अब आपका 7 एग्जीक्यूट होगा, ए की वैल्यू रिटर्न होगी, ओके, तो आपकी 25 रिटर्न होगी, यहाँ पे 7 एग्जीक्यूट हो गया, ए की वैल्यू रिटर्न होके कहाँ जाएगी, यहाँ पे जाएगी, तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई, यहाँ पे आपका आ गया 25, राइट, ओके। अब देखो, अब आपने कॉल किया है पावर फंक्शन को, यहाँ पर पावर फंक्शन को कॉल किया है, उसको दो वैल्यू दिए, 3 और 3, तो पावर फंक्शन को जैसे ही कॉल किया तो क्या होगा, अगेन कंट्रोल कहाँ चले जाएगा, 1 पर, यहाँ पे हमारी 10 पे आ गया था रिजल्ट, ओके, अब अगेन कंट्रोल कहाँ चले जाएगा, 1 पर, 1 पे चला जाएगा, बी की वैल्यू 3 हो गई, ओके, बी की वैल्यू अब आपके पास 3 हो गई, एंड पी की वैल्यू भी 3 हो गई, ओके, बी में भी, आपके बी में भी क्या आ गया, 3 आ गया, राइट, ओके, एंड पी में भी 3 आ गया, ओके, तो अब देखो, अब क्या होगा, 3 raised to power 3, ओके, 3 raised to power 3, इसमें ये ढंग से चल नहीं रहा है, 3 सर्कुलर ब्रैकेट नहीं बन पा रहे, ओके, 3 raised to power 3 means 3 into 3 into 3, राइट, क्या होगा, 3 into 3 into 3, राइट, ओके, बिकॉज 3 raised to power 3 हो गया ना, 3 into 3 into 3, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 27 रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, ओके, कंट्रोल 1 पे चला गया था, यहाँ पे 3 की वैल्यू चली गई थी बी में, पी में भी 3 की वैल्यू चली गई थी, फिर आपकी नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई, लाइन नंबर 2, ठीक है, जिसमें आपका क्या हुआ, 3 raised to power 3, ओके, और रिजल्ट आ गया 27, अब आपने, आपकी नेक्स्ट लाइन क्या होगी, 3 आपकी एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पे 3 एग्जीक्यूट हुई, तो आपकी वैल्यू रिटर्न हुई वाई की, वाई की वैल्यू कितनी हुई, 27 हमारी निकल के आ गई है वाई की वैल्यू, अब कहाँ पे कंट्रोल चला जाएगा, आप चला जाएगा कॉलिंग स्टेटमेंट के पास, 10 पे, ठीक है, यहाँ पे 10 पे आ गया, उसने वैल्यू रिटर्न कर दी 27, ठीक है, 20 सॉरी, ये ढंग से पेन वर्क नहीं कर रहा, 27, ठीक है, समझ आ गया, ये आपकी कैल की 25 आ गई और इसकी आपकी 27 आ गई, ओके, उल्टा 7 आ रहा है, 27 आ गई, राइट, अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 25 plus 27, ओके, 52, ओके, नेक्स्ट आपका आ जाएगा प्रिंट स्टेटमेंट, नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी 11, राइट, और आपका रिजल्ट आ जाएगा 52, 25 plus 27, ओके, 52 आपका रिजल्ट आ गया, ओके, 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 स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।